क्वेश्चन नंबर 15 है, 400 और 800 के बीच में आपने बताने हैं कितने नंबर हैं, तो 4, 5 और 6 तीनों से डिवाइड हो जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन करने से पहले आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा 4, 5 और 6 का। निकालो, 2 2 ज़ा 4, 5 ऐसे आ गया, 2 3 ज़ा 6, 2 पे 2 1 ज़ा 2, 5 ऐसे 3, फिर 3 पे चलते हैं 1 5 1, फिर 5 पे चलते हैं 5 1 ज़ा 5 1, कितना आ गया एलसीएम। एलसीएम की बात करें तो आया 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 3, 2 ज़ा 4 × 5, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो एलसीएम कितना आया 60। तो सबसे छोटा जो नंबर होगा वो 60 होगा, जो तीनों से 4, 5 और 6 तीनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो जी देखते हैं कैसे होगा, कैसे करना है क्वेश्चन। 60 से अगला नंबर क्या मिलेगा, 120 मिलेगा। हमें तो 400 और 800 के बीच के चाहिए, तो 400 से पीछे रह गए, ये तो हमारे काम के नहीं है। लेकिन 60 का टेबल चलना है, देखो अगला 180 आ जाएगा, 240 है ना, अगला 300 आ गया, 360, अगला 420। मैं तो ऐसे निकाल दूंगा इसको। तो पहला जो नंबर हमारे काम का है वो 420 आ गया, उसके बोले बाद में 480 आ जाएगा ना, 480 हमारे काम का है। फिर 60 डालो 540, फिर 60 डालो 600, फिर अगला 60 60, अगला 720, फिर 780, अगला ये टप जाएगा, ये आगे निकल जाएगा, इसको करोगे तो 840 आ जाएगा। ये हमारे काम का नहीं है, तो हमारे काम के तो यही है 1 2 3 4 5 6 7, इसका आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन 7। ठीक है, ये ही इजी वे था, क्योंकि ये आसानी से आप काउंट करके बता सकते थे। वरना लंबा तरीका भी है, एपी की सीरीज़ बनेगी, फिर उसके एन का फॉर्मूला निकाल के नंबर ऑफ टर्म्स आप निकाल सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें, आप ऐसे ही सोच कर ही कर सकते हो इस क्वेश्चन को।